कल रात को हम नहीं निकले नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी डिक्की फुल है एंड ये सारा सामान कार में पड़ा था जो भी निकाला है। पीछे यहाँ पे सब कुछ फुल है, यहाँ पे भी सब कुछ फुल है, तो बैठने की भी जगह नहीं। कैंडी को पीनी थी चाय, तो मैं ऊपर गया वॉचमैन को, मैंने बोला आप लोग यहाँ से भी चाय पीते हो उसको कॉल करो और बोलो नीचे चाय दे के जाए। सो अभी वो चाय भेज रहा है, वॉचमैन इज कॉलिंग द टी गाय। सैंडी आपके लिए दो कप चाय आ रही है, सैंडी की चाय आ चुकी है और सैंडी पीछे चाय एंजॉय कर रही है। सैंडी इज़ लाइक अरे यार मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ, सो अभी मुझे मत लो। सो हमको बैग दिखा के खड़ी है सैंडी। सो कैसी लगी चाय? नहीं कुछ नहीं बोल रहा, कैसी लगी सैंडी चाय? सैंडी जाओ क्या और रिफिल करने जाना है मुझे। ये सारा हम भेज रहे हैं मूवर्स एंड पैकर्स में, उसके बाद भी ये फुल है और पीछे भी सामान है और भी ऊपर एक दो बैग पड़ी हैं, तो एटलीस्ट ये दो सीट्स खाली हो गई और पीछे भी एक सीट खाली है। तो अभी सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, वो सारा जो वहाँ पे पड़ा है ये जाएगा मूवर्स एंड पैकर्स में और बाकी कार में अभी अच्छी जगह हो गई है। सो अभी बज रहे हैं 12:30, आई थिंक निकलते निकलते 3-4 बज जाएंगे, तो विल मोस्ट लाइकली रीच लेट इन द नाइट, पर एक तरीके से अच्छा भी है क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक कम होगा। तो मैंने सारा सामान जो बाहर निकाल के सेट किया था सैंडी और मैंने, अब वापस उसको कार में रख दिया क्योंकि जो मूवर्स एंड पैकर्स वाला है वो कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ है, उसने बोला 40 मिनट्स और लगेगा वापस रख उसे। तो 40 मिनट वहाँ पे खड़े खड़े क्या करूँगा, सारा सामान को गार्ड करने की बजाय मैंने वापस अंदर डाला। सो मूवर्स एंड पैकर्स वालों ने 2 घंटा वेट कराया और उसके बाद मैंने जब कॉल किया बोलते हैं हम आ ही नहीं पाएंगे आज बहुत ट्रैफिक है। अरे नहीं बाबा मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। तो मैं अभी सारे सामान के साथ फंस गया, तो मैंने बोला छोड़ो मैं ही आके आपके यहाँ पे दे के जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे पहले जा रहा हूँ देने के लिए, 2 बज चुके हैं, उसके बाद मैं वापस आऊँगा, यहाँ से 40 मिनट का रास्ता है, तो अच्छा मुझे वापस आते आते 4:30 हो जाएंगे और उसके बाद निकलेंगे, तो लगता है रात ही लेट नाइट ही पहुँचने वाला हूँ मैं मुंबई और शाम को ही निकल पाएंगे। तो ये सारा सामान यहाँ पे दे दिया मूवर्स एंड पैकर्स में और कार हो गई खाली। अभी मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 बज गए, तो आई थिंक घर पहुँचते 4:30 के आसपास ही निकलने वाला हूँ। अभी मेरा यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है, सारा सामान मैंने यहाँ पे मूवर्स एंड पैकर्स में दे दिया है और अब यहाँ से निकल रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट हाईवे तक था रास्ता, तो अगर सैंडी हम आते तो हम यहीं से निकल जाते मुंबई के लिए, बट जगह ही नहीं थी तो सैंडी और लव बैठते कहाँ। बुरा लगता है भाई। कुछ चीज़ें प्रिंट करवानी थी, कल सुबह मुझे हार्ड कॉपी चाहिए थी उसकी, तो अभी मैं यहीं से करा के जाता हूँ क्योंकि मुंबई तो मैं बहुत लेट पहुँचने वाला हूँ। सो अभी प्रिंट कराऊँगा, उसके बाद सैंडी के लिए चाय लूँगा, रिजवान से एक बार मिलना है और फिर घर जाना है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, लेट्स गो। अभी जाके सैंडी के लिए चाय लेना है और उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें करनी हैं, सो लेट्स गो। सो अभी मैं सैंडी के फेवरेट चाय प्लेस पे आया हूँ जो बेंजामिन स्कूल के पास में, सैंडी को यहाँ की चाय बहुत अच्छी लगती है, तो सैंडी के लिए पार्सल लेके जा रहा हूँ, लास्ट टाइम हियर इन द सिटी। ये है रिजवान, आपने तो रिजवान को देखा ही होगा, तो रिजवान ने मेरे यहाँ पे काफ़ी हेल्प की है, थैंक यू रिजवान। ये है रिजवान का छोटा भाई और इसने भी बहुत हेल्प की है मेरी, थैंक यू। हो गया वो काम? हो गया, हाँ हो गया, रिजवान से मिल के आ गए। हाँ चलिए मिलता हूँ फिर, बाय। तो मुंबई ना, अभी सीधा मुंबई, चलो तो मिल लिए अभी सबसे। चाय भी है सैंडी की, चाय ठंडी ना हो जाए अभी, तो सीधा चलता हूँ मैं घर पे। करी यार, आई थिंक यू नो व्हाट, इतना एक्साइटेड है ये तुमसे मिलने के लिए जैसे 10 साल बाद मिल रही है। सो शी इज बीइंग जंपिंग, आई थिंक जर्नी से पहले ये इसको तो एक्सप्लोर करना है कार में क्या हो रहा है। आई होप शी वांट्स टू मीट यू। नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना, शी प्लीज यार करी पकड़ लो, शी वांट शी वांट। अरे 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 अरे, तो हम फाइनली निकल रहे हैं, अभी 7:30 बजे हैं, रात को पता नहीं कितने बजे पहुंचे है ना, लेकिन एंजॉय करके जाएंगे, मजा आएगा काफी। आई थिंक 2 साल बाद हम तीनों ने साथ में जॉइन किए आराम से, लव की भी हाँ, लव शॉर्ट जर्नी नहीं करती, कार में सीधा लॉन्ग ही मारती है, है ना सैंडी? वो तो स्नग हो गई, शी थिंक्स कि उसको वहां रेस्ट। ओह माय गॉड, लवली। चलो शुरू करते हैं, अभी हम बड़ौदा से निकल चुके हैं और
फर्स्ट स्टॉप ले रहे हैं राइट आउटसाइड द सिटी, हम रुके, आई नीड अ डाइट कोक, ताकि कुछ पीता रहा हूँ तो आई कुड ड्राइव आराम से. और मैंने क्या मांगा? चाय. लेकिन और इसको क्या चाहिए? इसको नहीं, तुम कुछ बोल रहे थे. लेकिन लेकिन चाय जो है ना, इट्स नॉट अ प्रायोरिटी. ओके श्योर, तो नहीं लाता हूँ. सो आई एम श्योर अभी कुछ कुछ क्या डाइट कोक और चाय लेने जा रहा हूँ. भूख तो अभी लगी नहीं है. विल सी इट लेटर, दैट्स द प्लान. दिस इज़ द प्लेस. अभी यहाँ से मैं डाइट कोक ले रहा हूँ और सैंडी की चाय मैं उधर से ले लूँगा. सो दैट्स व्हेयर आई एम टेकिंग द चाय फ्रॉम. उसने बोला डाइट कोक और चाय यहाँ पे ही मिलेगा. सो देखते हैं, अभी यहाँ से ले लेता हूँ. आई थिंक सैंडी और मैंने यहाँ पे खाया है सैंडी के बर्थडे पे, एक डेढ़ साल पहले यहाँ पे आए थे शायद हम. लव चाय पिएगी, सैंडी वीडियो बनाएगी और oh मैं डाइट कोक पीऊंगा. नथिंग फॉर यू सैंडी. ओके ये हमारे लिए लवली जल जाएगी, लवली की जिबड़ी जल जाएगी. पर मुझे ना एक्चुअली थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है. क्यों? सिर्फ मैं चाय पी रही हूँ और तुमको वेट करना पड़ रहा है. मैं पूरा रास्ता कार में पीऊंगा. मैं तो ऐसे भी यहाँ पे नहीं पी रहा था. आप मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया. जी मैं तो सिर्फ टेंपरेरी पी रही हूँ. यू विल हैव अ थ्रू आउट द वे, थ्रू आउट द वे. चाय भी मैं ठंडी करके. लव और मैं यहाँ पे बैठे हुए हैं. And Sandy's gone to get something to eat. और हम दोनों यहाँ पे chill कर रहे हैं. So this is the place. Highway वहाँ पे है. So love और मैं बाहर बैठे हैं Smitten Chocolate World में. And Sandy is gone inside. Sandy अंदर गई है to get us some chocolates. यहाँ पे इतने बार गुजरा हूँ, कभी रुका नहीं हूँ. तो आज finally I thought let's just wait here and देखते हैं जगह, chocolate खाते हैं. Love है तो हम अंदर नहीं गए. Sandy is inside. Love's going crazy. I'm inside the Smitten Chocolate World and there are so many chocolates here. It's awesome. I'm gonna pick which one. This is milk and roasted almond, creamy white. I want to pick something which is dark chocolate. So I picked up a basket and you know all the chocolates are in here. And there's a really nice collection in there. You have so many chocolate flavors there, and right there. And they also have a cafe where you can sit and, you know, have chocolates. It's pretty cool. Let's check out some more flavors. So Sandy is waiting outside with Love right there. You can see they are waiting there. And that's the coffee shop. I'm done from here. So I have my chocolates and you. And so there's Sandy and Love. चॉकलेट, थैंक यू. बहुत लाया, आज ही खत्म करते हैं. काफी है, खत्म करते हैं. फिर कल से लग जाते हैं मुंबई जिम वर्कआउट डाइट कीटो. और अगर लत लग गई कॉफी और चाय की तरह तो नहीं लगेगी. ये थोड़ी स्मृति वहाँ पे मिलने वाला है हमको, है ना. चलो शुरू करते हैं. आप सिलेक्ट करो. लवली वेट कर रही है. अल्ट्रा डार्क, डार्क, माइल्ड डार्क, अल्ट्रा डार्क, पता नहीं, इंटेंस डार्क शायद. इंटेंस डार्क. ओह नो, शिट. तो अभी अनरैपिंग, अनबॉक्सिंग तो नहीं, अनरैपिंग का मैं आई थिंक फॉरवर्ड कर दूंगा. कोई भी उठा यार, 1 2 3 1 2 3 करके उठा लो. कोई शुरू करते खिलाओ सैंडी, अकेले खाते जा रहे हो. प्रोटीन बार दूसरा ओपन करते हैं. ये नहीं, अच्छा पूरा खा लो. ओट्स बार की तरह तो हम चॉकलेट खाते खाते आगे निकलते हैं. अभी आपसे बाद में बात करूंगा. नॉर्मल हो गया उसके लिए. तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूरत. लेकिन सच्ची बात है ना, इसके लिए नॉर्मल हो गया. तो अभी मैं जाके कॉफी लेके आता हूँ
और सैंडी के लिए बर्गर और लव के लिए ढेर सारा प्यार। तो आई मेट फरदीन, फरदीन को मैं जाने के टाइम मिला था जब मैं अहमदाबाद जा रहा था। फरदीन कितने बजे तक खुला रहता है ये? अभी 1 बजे तक है। 1 बजे तक है, चलो बढ़िया है। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ, कॉफी लेके आता हूँ। सो दिस इज ऑन द साइड ऑफ गोइंग टू मुंबई। जब मुंबई जाते हैं तो ये वाला मैकडॉनल्ड्स आता है और 1 बजे तक खुला है, अभी 11 बजे। तो आई विल गेट कॉफी विच इज ऑसम। So I think I'll probably take 2 aloo tikkis and have a cafe latte. तो मेरी रात को नींद नहीं आएगी ड्राइव करने के टाइम। I should reach Mumbai by 4:30. मैगी क्या बात है, खाने का मन कर रहा था मेरा। नाइस नेम। आपका? श्यामल। श्यामल, तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। आप तो सूरत से? जी सूरत। आप अभी मीन्स घूमने गए? मैं यूट्यूबर हूँ। हाँ, मैं इधर गया था, बड़ौदा गया था, मुंबई वापस जा रहा हूँ। अच्छा, मुंबई से? हाँ। मुंबई में आप कहाँ पे? वर्सोवा। मैं एक्चुअली कांदिवली में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, कांदिवली कहाँ पे? ठाकुर? नहीं, एक्चुअली क्या था, मैं आईएलटीएस का कोर्स कर रहा था। अच्छा, तो मेरा मामा का घर कांदिवली, तो वहाँ से अंधेरी जो मुझे रात तक चलाना है तो 2 कॉफी मिल जाएंगी तो अच्छा होगा। आई एम बीइंग अ लिटिल चीप हियर, बट ऑर्डर इज हियर। थैंक यू, लेट्स गो, लेट्स गिव इट टू सैंडी। बाय गाइस, सी यू। ऑर्डर आ गया, 2 कॉफी ले ली एंड बाय फॉर दिन, सी यू। मिलता हूँ आने के बाद। यप, थैंक्स, बाय। हाय, मेरे पे क्यों भाई? ओए ओए, क्या हो गया? मैं हूँ लव। अरे लव, अरे लव, हाँ लवली। अरे अरे, क्या हो गया? बुरा सप्ताह देखा? क्या हो गया? मैं ही हूँ, सेम शक्ल है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बगल आया हूँ भाई। हाँ, गुस्सा क्यों हो रही है? ये सैंडी आ रही है मेरी हेल्प करने के लिए। और हाँ, मुझे पता नहीं, एक मेरे से कभी नहीं खुलता, और सैंडी को ही आता है इसका क्या सीक्रेट। पता मेरा भी पचका हो जाए। नहीं यार, सैंडी ऐसा नहीं होगा। देखो, सैंडी से खुल गया, मेरे से नहीं खुलता। कप होल्डर। हाँ, लो अपनी मम्मी से बात करो। आपकी मम्मी? हाँ, हमारी मम्मी। तो अभी सैंडी से खुल गया। दोनों कॉफी यहाँ पे है, पीछे नहीं रख सकता क्योंकि लव है वहाँ पे, तो कॉफी गिरा देगी। कंजूस वाला काम किया। मुझे आजकल सारी कॉफी अच्छी लगती है, एज लॉन्ग एज इट्स कॉफी। ऑलराइट, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, लेट्स गो, लेट्स कीप मूविंग। आपसे बाद में बात होगी। 3:30 हो चुके हैं और हम ऑलमोस्ट मुंबई पहुंच गए एट मीरा रोड। तो अभी आई थिंक आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। ये सैंडी। ये हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मुंबई, 2 मिनट्स अवे फ्रॉम होम। बट आई गेस लव को पिस करना है, सो उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा वॉक कराते हैं और फिर हम जाते हैं घर। हाउ वॉज द जर्नी? इट वॉज ब्लिस। Yeah, Sandy was sleeping, not throughout.